नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज यूपी। सीएम योगी के आदेश के बाद लगातार खाकी का ऑपरेशन क्लीन अपराधी जारी है। कहीं अपराधी का एनकाउंटर तो कहीं अपराधी खुद ही पहुंचकर घुटने टेक रहे हैं। सोमवार को गैंगस्टर एक्ट के मामले में वांछित 5 आरोपी जिनकी तलाश पुलिस को थी, वो खुद चलकर पुलिस थाने पहुंचे और सरेंडर किया। ये मामला कैराना थाने का है, जहां गैंगस्टर एक्ट के तहत वांटेड अपराधी थाने पहुंचकर अपराध से तौबा करने के साथ ही भविष्य में भी किसी प्रकार का अपराध नहीं करने की कसम खाई है। इन 5 आरोपियों का नाम अफसरून, कयूम, राशिद और भूरा, सलीम और हारून है। इन सभी के खिलाफ कोतवाली में बलवा, हत्या का प्रयास और चोरी से जुड़े मामले दर्ज हैं। साथ ही गैंगस्टर एक्ट के तहत इन लोगों पर कार्रवाई भी की गई है। इन आरोपियों के हाथों पर हथकड़ी लगा यूपी पुलिस ने अब इन सभी को जेल पहुंचा दिया है। आपको याद दिला दें कि फरवरी 2021 में कैराना थाने में सपा विधायक नाहिद हसन और उनकी माँ पूर्व सांसद तबस्सुम हसन सहित 40 लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उस समय कार्रवाई के विरोध में समर्थकों ने आक्रोश भी जाहिर किया था, पंचायतें भी की गई थी और प्रदर्शन कर ज्ञापन देते हुए गैंगस्टर हटाने की मांग भी की गई थी, लेकिन प्रशासन पीछे नहीं हटा और कानूनी कार्रवाई करने की बात होती रही। अभी 4 दिन पहले ही 3 बदमाशों ने समर्पण किया था, जिनकी तलाश यूपी पुलिस को कई दिनों से थी। अब ऐसी खबरें जब प्रदेश से सामने आ रही हैं तो इससे साफ पता चलता है कि किस तरीके का सीएम योगी और यूपी पुलिस का डर अब अपराधियों के सर चढ़कर बोल रहा है और वो आए दिन खुद ब खुद थाने पहुंचकर सरेंडर कर रहे हैं। आपकी क्या राय है इस पूरी खबर को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए अब आप भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीके न्यूज़ यूपी, धन्यवाद।